नमस्कार दोस्तों, IAS पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, तो अब हम लोग जो है प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट को जरूर बनाएंगे, ठीक है। और हमारे द्वारा जो है आपको प्रत्येक दिन एक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, ओके। और हमारा जो टाइमिंग होगा दोस्तों, यह 10 AM होगा, ठीक है। 10 AM में आपको प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, यह करने जा रहे हैं दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज से, ठीक है। क्योंकि दृष्टि IAS का टेस्ट सीरीज सबसे बढ़िया होता है, इसलिए मैंने शुरू किया है अभी दृष्टि IAS का टेस्ट से। और प्रत्येक दिन इसका जितना भी सीरीज है, ठीक है ना, जितना भी टेस्ट आएगा सारे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। सीसेट का भी करने वाले हैं, GS का भी करने वाले हैं, और भी बहुत सारे संस्थान का जो भी मार्केट में टेस्ट उपलब्ध होगा, जो मुझे बढ़िया लगेगा उसे मैं यहाँ पे जरूर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जरूर जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन एक एक सेट को कम से कम बनाते रहिए। और हाँ, साथ में और जो भी मटेरियल्स होगा वो सारे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड हो, सारे मटेरियल्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएँ, ठीक है। चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, पहला कथन है इलाहाबाद और कड़ा को जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, ठीक है। इलाहाबाद और कड़ा ने जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, तो पहला कथन दोस्तों हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की संधि के अनुसार नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने एवं कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया देने पर सहमति व्यक्त की थी। यानी पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा कथन है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की, जो कि दूसरा कथन क्या हो जाएगा, दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। कैसे? शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी, ठीक है। तो दूसरा कथन तुम्हारा गलत है, सिर्फ पहला कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियमन के वर्ष के संबंध में कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों कारखाना अधिनियम का, तो कारखाना अधिनियम कब आता है, यह आता है 1947 में, 1947 में, ठीक है, 1947 में। शारदा अधिनियम कब आता है, शारदा अधिनियम जो है 1929 में आता है, ठीक है, 1929 में आता है। दहेज निषेध अधिनियम कब आता है दोस्तों, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आता है, ठीक है। और फिर विशेष विवाह अधिनियम जो है यह आता है 1954 में, 1954 में, ठीक है। तो इस क्रम में यदि आप इसको व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा शारदा अधिनियम, यानी दो हमारा सबसे पहले होगा। फिर आएगा शारदा अधिनियम के बाद आ जाएगा कारखाना अधिनियम 1947 में, ठीक है, 1947 में, दो के बाद एक हो जाएगा। फिर हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम 3 में, ठीक है, यानी दो दो एक दो एक, फिर आ जाएगा, सॉरी, 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 1, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया था, ठीक है। तो देखिए, जॉन निकल्सन कहाँ था, यदि जॉन निकल्सन की यदि हम बात करेंगे तो जॉन निकल्सन कहाँ था, दिल्ली में था, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। हीरोज कहाँ था, तो हीरोज को आपको मालूम होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको जो है हीरोज नहीं मारा था, तो ये तो जो है ग्वालियर में होंगी, ठीक है, ये भी नहीं है। सर कॉलिन कैंपवेल, कैंपवेल जो है दोस्तों, कैंपवेल कहाँ थे, तो कैंपवेल बरेली में, ठीक है, कैंपवेल भी नहीं होंगे। तो बच गया कौन, विलियम टेलर, ठीक है, विलियम टेलर और विलियम आयर जो है वो बिहार में था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ जो है घटना दिया गया है, दूसरे तरफ जो है उससे संबंधित वायसराय दिया गया है कि कौन से घटना से संबंधित उस समय कौन से वायसराय थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इल्बर्ट विल की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो इल्बर्ट विल के समय जो है कौन से वायसराय थे, तो इल्बर्ट विल के समय जो वायसराय थे वे थे लॉर्ड लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, यानी फर्स्ट का तो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर है काकोरी षड्यंत्र, तो काकोरी षड्यंत्र के समय जो है दोस्तों वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड रीडिंग, कौन थे, लॉर्ड रीडिंग, यानी कि दूसरा का 3 हो जाएगा।
फिर जो है लखनऊ समझौता है, यहाँ पे देखेंगे लखनऊ सी में है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता के समय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, यानी तीन का हमारा दो हो जाएगा, सी का दो हो जाएगा, और डी है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के समय में कौन थे, तो ये थे लॉर्ड वेविल, यानी डी का वन हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन के अनुसार, तो एक का चार, बी का ए का चार, बी का तीन, सी का दो और डी का एक, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायकोम सत्याग्रह से संबंधित था। ठीक है, बायकोम सत्याग्रह आपको मालूम होगा कि यह जो है कहाँ हुआ था, यह जो हुआ था यह कहाँ हुआ था, त्रावणकोर रियासत में हुआ था। ठीक है, और वर्ष 1924 में। ठीक है, तो इससे संबंधित कौन थे, के केलप्पन थे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी 6 नंबर प्रश्न हमारा है, कथन अभिकथन ए है और कारण आर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं, पहला दिया गया है कि डच, और एक अभिकथने में दिया गया कि डच और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है, यदि मैं बात करूँ मसूलीपट्टनम शहर तो मसूलीपट्टनम शहर जो है, पहले तो ये जान लीजिए कि कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, यह 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया दोनों कंपनियों ने मसूलीपट्टनम को नियंत्रित करने का प्रयास किया क्योंकि यह आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा यदि मैं कारण की बात करूँ, तो कारण देखेंगे कि यह 17वीं शताब्दी में पश्चिम तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, यह पश्चिम तट पर नहीं बल्कि पूरब तट पर था। तो कारण तो हमारा गलत हो जाएगा, अभी कथन सही है कारण गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह सत्य है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन 1905 में होता है, ये तो जो है लॉर्ड कर्जन के समय में ही होता है। ठीक है, भारतीय लोक सेवा मंडल का भी गठन जो है ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, और अकाल आयोग की स्थापना भी जो है लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। लेकिन जो ये हंटर आयोग है, ठीक है ना, हंटर कमीशन जो है दोस्तों, इसका संबंध शिक्षा से है और ये 1882 में गठन होता है इसका। ठीक है, तो ये जो है 1882 में है, तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं होता है, याद रखेंगे। और एक है हंटर कमीशन भी है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, तो ये जो है हंटर कमीशन क्या है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, बहुत ही फेमस है हंटर कमीशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। बिल्कुल ये कथन सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था। बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों के दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नारायण मेघाजी लोखंडे को, इनको नारायण मेघाजी लोखंडे को माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं दिया गया है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। ये तो कथन सही है। ठीक है, बिल्कुल पहला कथन तो सही है। दूसरा है, इसे वर्ष 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। ये भी सही है। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। देखिए ये जो है डायरेक्ट किसान से वसूला नहीं जाता था। ठीक है, यही तो है यहाँ पे, ये जो है डायरेक्ट किसान से वसूला नहीं जाता था। यह जो है बंगाल और ओडिशा में प्रचलित था। ये भी सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत है। ये जो है जमींदार से लिया जाता था। ठीक है, किसान से नहीं लिया जाता था, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय, ध्यान देंगे यहाँ पे, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस यानी AITUC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सही दिया गया है, ये यहाँ पे चूज करना है। तो पहला दिया गया है कि लाला लाजपत राय ने AITUC के पहले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, लाला लाजपत राय को। देखिए
ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना जो की यदि मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर, याद रखेंगे 31 अक्टूबर जो है 31 अक्टूबर 1920 में होता है, 1920 में होता है, ठीक है। लाला लाजपत राय को AITUC के पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल को पहले महासचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है महासचिव दिया गया था जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय इनको जो है पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, पहला महासचिव जो थे वह चमन लाल थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कथन तो गलत है। दूसरा है कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन भी किया गया। तो दूसरा तो हमारा सही है लेकिन पहला क्या है गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल दो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको दोस्तों यह कलानुक्रमित ढंग से इसको सजाना है कि पहले कौन से घटना हुआ, उसके बाद कौन से हुआ, उसके बाद कौन से हुआ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ दोस्तों हंटर शिक्षा आयोग की, तो हंटर शिक्षा आयोग के यदि गठन की मैं बात करूँ तो इसका गठन अभी मैंने बताया था 1882 में हुआ। कब हुआ है, 1882 में, ठीक है। उसके बाद मैं चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करूँ तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ये 1854 में होता है, 1854 में, ठीक है, 1854 में। फिर मैं बात करूँ यदि ली आयोग का, तो ली आयोग का गठन जो है दोस्तों ये होता है 1924 में। कब होता है, 1924 में, ठीक है, 24 में। और रैले आयोग की यदि मैं बात करूँ तो रैले आयोग की स्थापना जो है दोस्तों ये होता है 1902 ईस्वी में, ठीक है, 1902 ईस्वी में। तो सबसे पहले की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फिर हंटर शिक्षा आयोग, फिर हो जाएगा रैले आयोग और ली आयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पवना विद्रोह संबंधित है, पवना विद्रोह जो है किसे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जमींदारों की दमनकारी नीतियाँ से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यूपी किसान सभा का गठन किया गया था, तो यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, 1918 में, ठीक है। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1918 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वारेन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, ठीक है, तो उनका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग भारतीयों को तैयार करना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है सांप्रदायिक पंचाट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है, ठीक है, सही उत्तर को आपको यहाँ पे चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यह जो है लोथियन समिति के सिफारिश पर आधारित था, ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट। तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है 6 अगस्त 1932 को, कब, 1932 को, याद रखेंगे 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। भारतीय फ्रेंचाइजी समिति जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है के सिफारिश के आधार पर सांप्रदायिक पंचायत ने दलित वर्गों सहित अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्थापित की थी, ठीक है, जिन्हें जो है 78 आरक्षित सीटें प्रदान की गई थी। तो पहला तुम्हारा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी, ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं था, ठीक है, तो केवल एक सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे यहाँ पे। 17 नंबर प्रश्न है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो देखिए इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1895 ईस्वी में होती है, कब होती है, 1895 ईस्वी में, याद रखेंगे नेटाल इंडियन कांग्रेस की, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है आउटरम के अनुसार अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था, बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार है, बिल्कुल यह सही है। सी है आर होम्स के अनुसार ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध है, देखिए यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आर होम्स का नहीं
बल्कि ये किनका कथन है, ये जो कथन है दोस्तों ये रीज का है। किसका है? रीज का है, ठीक है। यहाँ पे आर होम्स दिया गया तो ये गलत है। फिर बेंजामिन डिजराइली के अनुसार यह राष्ट्रीय उत्थान है, बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। बिल्कुल यह कथन सही है, पहला कथन सही है। दूसरा दिया गया है, इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। बिल्कुल यह भी कथन सही है, यानी दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व संघों में इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण था और इसका उद्देश्य जो था वो अवैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वर्ष 1886 में, ध्यान रखेंगे 1886 में, 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस की दूसरी बैठक के दौरान विलय हो गया, ठीक है। सूर्यनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, और इसको जो है घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है बंगाल का विभाजन लागू हुआ। तो देखिए बंगाल का विभाजन लागू कब होता है दोस्तों, तो विभाजन जो है लागू होता है अक्टूबर 1905 में, याद रखेंगे अक्टूबर 1905 में, ठीक है, 1905 में। उसके बाद सूरत विभाजन के यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो सूरत विभाजन कब होता है, तो विभाजन जो होता है दोस्तों ये होता है, याद रखेंगे विभाजन होता है, सूरत विभाजन ये होता है दिसंबर 1907 में, ठीक है, दिसंबर 1907 में, 1907 में यहाँ पर तो 7 हो जाएगा। फिर बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित कब किया गया था, तो ये किया गया था अगस्त 1905 में, ठीक है, अगस्त 1905 में। और फिर दादा भाई नौरोजी जी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य जो है स्वराज्य है, तो ये घोषणा कब हुआ था, दिसंबर 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। चलिए इस क्रम में देख लेंगे तो सब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था, ठीक है। प्रार्थना समाज ने, तो प्रार्थना समाज के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों सुबोध पत्रिका। कौन सा? सुबोध पत्रिका, याद रखेंगे। प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना जो है 1867 में, कब? 1867 में की गई हुई थी और इसने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। दादोबा पांडुरंग एवं आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 23 नंबर हमारा प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद कौन मैसूर जो है मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था, ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। मैसूर का नया राज्य जो है राज्य जो है कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। बिल्कुल ये कथन सही है, जब टीपू सुल्तान मारा गया तो वहाँ का जो राज्य है वो कृष्णदेव राय कृष्ण ये जो कृष्ण राज हैं तृतीय, इनको दे दिया गया और फिर वो जो है सहायक संधि कर लिए। तो पहला तो कथन सही है। दूसरा दिया गया है कि विलियम बेंटिंग ने वर्ष 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया, ये भी सही है, ठीक है। तीनों के तीनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्वर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है यहाँ पे, ठीक है, इल्वर्ट बिल के बारे में। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला दिया गया है कि इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। बिल्कुल पहला ही कथन हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है। तो सही कथन ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ तो संधि दिया गया है और दूसरा तरफ जो है संबंधित देश दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सही मिलान है। जैसे कि पेरिस की संधि अमेरिका से संबंधित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पेरिस की संधि जो है वह 1783 में होता है अमेरिका और
किसके बीच में? अमेरिका और ब्रिटिश प्रतिनिधियों के बीच में, ठीक है। तो पहला तो कथन हमारा सही है, पहला तो हमारा मिलान सही है। दूसरा जो है गणमक की संधि अफगानिस्तान के साथ, बिल्कुल दूसरा भी हमारा सही है। गणमक की संधि जो है 1879 में, ठीक है, 1879 में याद रखेंगे, 1879 में होता है वो, अभी होता है अफगानिस्तान के साथ, तो दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा है सुगौली की संधि बर्मा के साथ। देखिए सुगौली की संधि जो है दोस्तों ये 1815 में होता है, 1815-16 में सुगौली की संधि नेपाल के साथ होता है, ना कि बर्मा के साथ। तो तीसरा तुम्हारा गलत है। चौथा है यंदाबू की संधि जो है नेपाल के साथ, देखिए ये गलत है। यांद्यूब की संधि जो है वह कब होता है? तो यांद्यूब की संधि जो होता है दोस्तों ये 1826 में होता है, ठीक है, 1826 में होता है और यह बर्मा के साथ होता है। तो यहाँ पे चौथा भी गलत है। तो पहला दूसरा सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक और दो सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 26 नंबर प्रश्न है। सूची चार को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब सूची एक को सूची दो से यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। तो एक तरफ जो है सूची दिया गया है वह विद्रोह है और दूसरे तरफ जो है उसे संबंधित वर्ष है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है कि अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह है ये आपको मालूम होगा। अहोम विद्रोह जो होता है दोस्तों याद रखेंगे 1828 में, कब होता है? 1828 में होता है अहोम विद्रोह, ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 में होता है। तो पहला तो हो जाएगा ए का, तो फोर हो जाएगा, ठीक है, ए का तो फोर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे पोलीगर्स की विद्रोह, तो पोलीगर्स का विद्रोह जो है दोस्तों यह होता है 1795 में, पोलीगर्स का विद्रोह 1795 में होता है। फिर मुमारिस का विद्रोह जो है, मुमारिस का विद्रोह होता है 1769 में, ठीक है, और पाइका विद्रोह जो है 1817 में, ठीक है। तो ये मिलान सही है यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा एक का चार, बी का तीन, सी का दो और डी का एक। तो इसका इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षता संबंधित नेता कौन नहीं थे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है इससे संबंधित नहीं थे। मोहम्मद इकबाल जो है एक कवि दार्शनिक थे जिन्होंने खुदी के दर्शन को बढ़ावा दिया, जो इस्लामी दुनिया के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से संबंधित था, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल को, ठीक है। और सारे जहाँ से अच्छा ये जो है किन्होंने गाया था, तो ये मोहम्मद इकबाल द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बेसिन की संधि। कौन सी संधि? बेसिन की संधि। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1876 में, याद रखेंगे कब, 1876 में जो है, 1876 में भारत के वायसराय बने। उन्होंने प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की जिसका उद्देश्य जो होता है वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन एक इसमें जो है अभी कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है, और इसमें से कौन सही है ये आपको देखना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि अभी कथन ए में दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय। बिल्कुल पहला अभिकथन जो है सही है। कारण दिया गया है इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह भी सही है। और यहाँ पे जो है दोनों के दोनों सही है, ठीक है। और जो अभिकथन ए है उसका कारण स्पष्टीकरण भी है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी ने। किसने रखा था? स्वराज पार्टी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास थी, ठीक है, एक प्रयास था। तो किसका प्रयास था दोस्तों? तो यहाँ पे देख लेते हैं।
यह प्रयास था फॉरवर्ड ब्लॉक का और किसका था, किसान सभा का, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संबंध इस ये जो है प्रयास था, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, समाचार समाचार पत्र और पत्रिका और संस्थापक और संपादक की कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे, ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे हिंदू पेट्रियाट, तो हिंदू पेट्रियाट के जो है संपादक कौन थे, तो ये थे गिरीश चंद्र घोष, ये तो बिल्कुल सही है, पहला तुम्हारा सही है। दूसरा दिया गया है बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया, ये जो है यहाँ पे देखिए बंग दर्शन का, ये दयाल सिंह मजीठिया नहीं है बल्कि बंग दर्शन का बंकिम चंद चटर्जी है, तो हमारा बी कथन यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है। फिर भारतीय समाजशास्त्र श्यामजी कृष्ण वर्मा और परिदस्क विपिन चंद्र, तो ये भी सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे गलत पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे कथन ए और कारण आर दिया गया है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहला दिया गया है कि अभी कथन ए में है कि गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कारण क्या है कि इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, ठीक है, यह भी सही है, और कथन का जो है कारण सही है, स्पष्टीकरण भी है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे, ठीक है, HSRA का, तो देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूँ HSRA का, ठीक है ना, तो इसकी स्थापना जो है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, जो कि अभी वर्तमान हम बोल सकते हैं अरुण जेटली मैदान में हुआ था, ठीक है ना, तो याद रखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1928 में इसका सितंबर होता है, और इसके संस्थापक कौन थे उस समय, तो इसमें शामिल कौन कौन हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएंगे भगत सिंह और कौन हो जाएंगे, योगेश चंद चटर्जी, यानी एक और दो इसमें अजय घोष और फणीश्वर नाथ घोष इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सही है, यहाँ पे आपको देखना है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की गई, बिल्कुल पहला कथन तुम्हारा एकदम सही है, ठीक है। दूसरा है, इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेंगे हम। साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे, पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, 1937 में नहीं बल्कि 1935 में, तो पहला तो कथन हमारा यहाँ पे क्या है, गलत है। दूसरा है, यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ये कथन सही है, ठीक है, हमारा बी यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो देखिए इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1918 में, याद रखेंगे कब, 1918 में मोंटेग्यू रिपोर्ट के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ और नरमपंथियों ने इसका स्वागत किया जबकि गरमपंथियों ने इसे लेकर विरोध व्यक्त किया, ठीक है। कांग्रेस में फूट पड़ने के फलस्वरूप उदारवादी नेता ने वर्ष 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया, इसकी इसके यदि हम संस्थापक की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ठीक है, इनके प्रमुख नेता माने जाते हैं, और कुछ नेता हैं जैसे कि बहादुर शप्रू हो गए, तेज बहादुर शप्रू हो गए, बी एस श्रीनिवास शास्त्री हो गए, एम आर जयकर हो गए, सब इसके नेता हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामाबाई रानाडे ने, ठीक है, रामाबाई रानाडे ने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 40 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका बीतल विध्वंसक शुरुआत की, बीतल विध्वंसक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोपाल बाबा बलंकर, किसने, गोपाल बाबा बलंकर ने,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला कथन दिया गया है कि वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है। ठीक है, दूसरा है, उन्होंने पर्दा बहुविवाह और पीड़ित तथा मुरीद प्रथा का समर्थन किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कथन जो है ना, ये जो है ये गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, ये गलत है, इसका इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो यानी दूसरा तो हमारा गलत है, पहला सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, देवबंद आंदोलन या पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे जो है सही है या है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। पहला दिया गया है कि इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई ने की थी। बिल्कुल, देवबंद आंदोलन का शुरुआत इन्होंने ही किया था, तो पहला तो कथन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। बिल्कुल, यह भी कथन सही है, दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने किसने जो है प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने। ओके, देखिए चित्रकला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर ने अजंता, मुगल और राजपूत चित्रकला से प्रेरणा लेते हुए और अपनी रचनाओं में उन्हें स्थान देते हुए भारतीय कला के क्षेत्र पर विक्टोरिया प्रकृतिवाद के वर्चस्व को समाप्त किया। ठीक है, भारतीय कला के एक अमिट छाप छोड़ने वाले नंदलाल बोस ने वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटलिस्ट आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न है हमारा, यहाँ पे अभी कथन ए और कारण आर दिया गया है, चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो पहला देख लेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय ग्रामपंथियों को अलग करना था। ठीक है, तो पहला तो कथन जो है हमारा यहाँ पे यह सही है। ठीक है, कारण देख लेते हैं, चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उसकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, देखिए कथन तो कारण भी सही है, लेकिन कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न है हमारा, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, यानी 45 में हमको जो है गलत कथन को ढूंढना है। तो पहला दिया गया है, सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1919 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त तो होने वाले पहले भारतीय थे। बिल्कुल, पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा है, वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है, अप्रैल 1906 में वरेंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिकी युगांतर की शुरुआत की। सी भी हमारा सही है। डी है, बारदोली सत्याग्रह का कारण जो है यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा लागू की गई तीन कठिया प्रणाली का विरोध था। देखिए बारदोली सत्याग्रह ये नहीं है, ये चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसने की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो पहला दिया गया है कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं जो है अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत था। देखिए यहाँ पे जो है ये कथन तो सही है, पहला तो सही है बिल्कुल एकदम। ठीक है, दूसरे को देख लेते हैं, इसके सदस्यों का उद्देश्य जो है भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और वर्ष 1914 में दो घटनाओं, कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्य के लिए काफी प्रोत्साहन दिया। तो दूसरा भी हमारा कथन यहाँ पे क्या है, सही है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1915 की वर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गुरबख्श सिंह ढिल्लो का। किसका संबंध नहीं था इसे? गुरबख्श सिंह ढिल्लो का नहीं था, बाद बाकी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्ता, लाला हरदयाल, ये सब थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है यहाँ पे, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला दिया गया है कि वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया। बिल्कुल पहला तो कथन सही है। दूसरा है, वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का व्यापार बरकरार रखा। बी भी हमारा यहाँ पे सही है। सी दिया गया है कि वर्ष 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया गया, यानी सी भी सही है। और डी दिया गया है, वर्ष 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। ये यहाँ पे कथन जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये 1861 में नहीं बल्कि 1853 में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये कथन हमारा क्या है यहाँ पे गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 15 नंबर प्रश्न है, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है, यह स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बुर्जहोम जो है दोस्तों कहाँ है, ये कहाँ है, ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। 52 नंबर प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? सबसे लघु यानी कि सबसे छोटा वेद कौन सा है? ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा जो वेद है दोस्तों यह कौन सा है, यह है सामवेद। कौन सा है? सामवेद है। ठीक है, सामवेद के बारे में आपको मालूम होगा कि चारों वेदों में सबसे छोटा कौन सा है, सामवेद है। और इसमें ऋग्वेद की संहिता से कई श्लोक दिए गए हैं। सामवेद का संकलन जो है विशेष रूप से अनुष्ठा संबंधी अनुप्रयोगों के लिए किया गया है, क्योंकि इसके सभी छंद जो है सोम यज्ञ कार्यों तथा उससे उद्दत्त अनुष्ठानों में पाठ किए जाने हेतु है। ठीक है, 10 मंडल और 228 सूक्त के साथ ऋग्वेद सबसे बड़ा है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण युग के। क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण युग का। 54 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिंह का। किसका? सिंह यानी कि शेर का। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला दिया गया है कि सबसे उत्तरी सीमा जो है, उत्तरी जो है स्थल मांडा है, बिल्कुल ये सही है। देखिए ऐसे मैप बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे उत्तरी जो है मांडा है, बिल्कुल ये सही है। सबसे दक्षिणी जो है दहमाबाद है, ये भी सही है। सबसे पश्चिमी जो है, ठीक है, सबसे पश्चिमी जो है सुरकोटदा है। देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सुतका गेंडोर है, सुरकोटदा नहीं है, सुतका गेंडोर है जो कि पाक ईरान सीमा पर है। तो हमारा सी हमारा जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? लोथल के संबंध में तो पहला दिया गया है, यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पतन था, बिल्कुल ये तो सही है। दूसरा है, इसका उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने किया था, ये भी सही है। ठीक है, सी दिया गया है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था लोथल। ठीक है, देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम बंदरगाह था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 57 है, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? पाटलिपुत्र में, ठीक है, तो पाटलिपुत्र में किसने करवाया था, तो वह करवाया था अजात शत्रु ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है तोलका पीएम के संबंध में सही नहीं है? तोलका पीएम के संबंध में, ठीक है, तो यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है, ये तो सही है। ठीक है, बी दिया गया है, इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। ठीक है, तोलका पीएम की, तो ये कथन यहाँ पे जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ जो
इग्लो आदिगल है, इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना जो है शिल्पाती कारम ने किया था। किसने किया था? शिल्पाती कारम ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। 59 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में तो यहाँ पे देख लेते हैं। चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था, पहला तो कथन सही है हमारा, पहला तो सही है। दूसरा है सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, ये भी सही है। फिर है गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती थी, ठीक है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, यानी सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता था, ठीक है, तो महादंड नायक जो है दोस्तों ये किसको कहा जाता था? तो ये जो है चीफ जस्टिस को कहा जाता था, ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस सेट को आज जो है हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं 60 प्रश्न पे, और अगला जो पार्ट आएगा उसमें जो है हम लोग 61 से लेकर के 150 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका जो है 60 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ है जरूर कमेंट में बताएंगे, और अगला पार्ट इसका जो है बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसे भी जरूर बना लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।